दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुरातन छात्र सम्मेलन के अवसर पर कुलाधिपति वाटिका में पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हुए अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें वरिष्ठ अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सलील कुमार राय, दक्षिण बिहार गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह, महानिदेशक डॉक्टर सुनील शुक्ला, उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर विराट चंद्र कौशिक, जननायक विश्वविद्यालय बलिया की कुलपति प्रोफेसर कल्पना पांडे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि लखनऊ सुमिता सिंह, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य अनिल कुमार सिंह, एक चैनल की उप संपादक एवं एंकर चित्रा त्रिपाठी तथा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि और अतिथियों ने चंदन, बादाम, तुलसी, रुद्राक्ष, आंवला जैसे वृक्षों का पौधारोपण किया, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के एल्युमिनाई सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह ने बताया कि विशिष्ट अतिथि और अतिथियों के नाम पर तथा उनके द्वारा पौधारोपण किया गया ताकि यह यादगार पहलू बन सके। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे उनकी यादगार, उससे यादें और बढ़ेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एल्युमिनाई सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा, बढ़िया बना है का अच्छा पेड़ों हट जाओ आगे छत भाई, हट जाओ भाई उसको ठीक करिए, उसको छोड़ दो, उतना हो गया भैया बोडवा के पास है। आप खड़े हो जाइए सर, बोडवा ढक रहा है। हमारा वाला है ना, उसके हाथ लगाइए आप। आओ पानी लाओ, संगम इधर है, ये बोर्ड भी है ना, नाम संगम भाई। अरे यार भैया पीछे आ जाइए, उस साइड में आ जाइए, भर देना भाई सर। इसे पनीर की रही,
मैम इधर देखिए, मैम प्लीज इधर मैं प्रोफेसर एस के सिंह, एल्मिनाई सेल का प्रेसिडेंट। हम वृक्षारोपण चूंकि एक हमारे जो विशिष्ट एल्मिनाई हैं उनके द्वारा, उनके नाम पर उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उन्होंने वृक्ष लगाया, चूंकि वो यादगार पहलू होगा, वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा तो उससे यादें, और जैसे विश्वविद्यालय कैंपस से उनकी यादें जुड़ी हैं उस पेड़ से, चूंकि पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करता है, और जब पर्यावरण स्वच्छ है तो हमारा जीवन स्वच्छ है, सुरक्षित है, और यह शिक्षा का केंद्र है निश्चित तौर पर। यह अपने आप में विद्यार्थियों का जिस तरीके से इस कैंपस से लगाव है पुरातन छात्रों का, उस पेड़ के प्रति भी वो जब देखेंगे तो आह्लाद का विषय होगा।